इंस्टीट्यूट गजट, ठीक है, अलीगढ़ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एमबीओ कॉलेज लाहौर में भी है, अलीगढ़ में भी था, ठीक है। और सर सैयद की वफात के बाद वो जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी बनी, आप अपनी जिंदगी में नहीं देख सके, लेकिन आपका एक ड्रीम था यूनिवर्सिटी जो है मुसलमानों के हक से यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी भी उसे नाम है, ठीक है। तो ये हमें ज्यादातर जो हमें रोल पड़ा है एजुकेशन पढ़े और रिफॉर्मर पढ़े, लेकिन हमने जो एज स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के, हमने एज अ जर्नलिस्ट जो है वो रोल ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट। उस जमाने में ये कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है जैसे आज के, किसी मीडिया हाउस में गए, काम किया, नौकरी किया, सब कुछ नहीं, ठीक है। इनके भाई अखबार था, कौन सा अखबार था पढ़ा पढ़ा सैयद उल अखबार वो इनके भाई अखबार था। तो थोड़ा सा इन्हें जर्नलिज्म के साथ इनकी वाबस्तगी इस हवाले से थी। अच्छा, दूसरी उस जमाने में खास बात ये होती थी, जो बड़े अदीब होते थे, राइटर्स होते थे, वो जर्नलिस्ट भी होते थे। जैसा मिसाल आप, ये जो ट्रेंड है कि हमें मिलता है आपको जफर अली खान तक मिलता है, वो बहुत बड़े अदीब हैं, लिटरेरी पर्सन है, लेकिन बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी जैसे आज का सिस्टम है वो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहने की उन्होंने हमें वो कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए हैं साफियों को, आज के साफियों को भी एक गाइडलाइन दी उन्होंने। उन्होंने उस जमाने में जब मुसलमान जो थे गुलामी में थे, जैसे एक बात का शेर है, गुलामी में ना काम आती है ना तदबीर नहीं ना शम्स भी है, ठीक है ना, गुलामी एक ऐसी चीज है जहाँ तदबीर भी काम नहीं आती। तो मुसलमान को तो उन्होंने स्पेशल नेज़ों ने क्रश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों से गवर्नमेंट ली थी इन्होंने, तो वो ये समझते थे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका जो मेन मुहर्रक है वो मुसलमान है। यही वजह है कि उन्होंने मुसलमानों को दुबाया, मारा, घंटा लगाया, शहीद किया, और लाखों लोगों को उस जमाने में फांसियां दी, ठीक हो गया। और जॉब्स में से बहुत देर तक, जब ब्रिटिश राज का एंड भी हो रहा था तो हिंदूज को और सिखों को वो प्रमोट कर देते थे, लेकिन मुसलमानों पर वो शक हमेशा।